आमदार रई शेख ने ईद के मुकद्दस महीने पर देशवासियों को अपनी परिवार और अपनी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबके बीच में आज आपको ईद उल फित्र की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। हम सब ने रमजानों में इबादत की, रोजे रखे, दुआएं मांगी। मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि हम सब के रोजे, इबादत और दुआओं को कबूल करें। आज के दिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए दुआ करें। ये दुआ करें कि हिंदुस्तान में अमन रहे, ये दुआ करें कि हिंदुस्तान में अमन पसंद, इंसाफ पसंद सरकार आए। मैं आपसे आज के दिन में ये भी दुआ करने के लिए कहूँगा कि गाजा के जो मजलूमीन हैं, जिन पर दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफें दी जा रही हैं, एक तरह का जेनोसाइड वहाँ पे किया जा रहा है, उनको भी याद रखे और अल्लाह से दुआ करे कि उनके लिए आसानी हो, उनके लिए इमीडिएटली राहत हो। हम सब उम्मीद करें कि आने वाला साल, आने वाले दिन हिंदुस्तान के लिए अमन के और शांति के रहे। एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद उल फित्र मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।